हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिव गार्डन। तो शिव गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं शेयर करूंगी ये जो गुड़हल का प्लान है और ये जो इसको हिबिस्कस भी कहते हैं। तो हिबिस्कस का जो ये प्लांट है, इसमें ये से बड़े बड़े फ्लावर्स कैसे आएंगे और इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, तो इन सभी बातों को आप फॉलो करेंगे तो आपका भी ये गुड़हल का प्लांट है जो ऐसे हरा भरा रहेगा। तो आप अगर जो नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि कई कलियां भी आप इसमें देख सकते हैं कि दिखाई देंगी आपको। तो सबसे पहला है इसका ये है कि ये जो गमले में आप सॉइल मिक्स बनाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी तरह से सोयल मिक्स बनाना है। मैंने तो अभी इस रेड सोयल में ही डाला है, तो आप ये नहीं करेंगे। रेड सोयल अच्छी नहीं होती, वो एकदम चिकनी सी मिट्टी होती है, तो ये जो आपकी रूट्स है अंदर उसे जकड़ लेगा। तो आप रेड सोयल ना यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से ये साइज़ बड़ी आप करना चाहते हैं जो फ्लावर्स की, तो मेरी इस वीडियो को आप एंड तक बने रहिएगा। तो पहले हम जो फर्टिलाइज़र बताने वाली हैं वो है पोटास। पोटास यानी कि पोटेशियम। पोटेशियम जो फर्टिलाइज़र आता है, अगर आप इसमें ये फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो आपकी जो फ्लावर्स की साइज़ वो बड़ी होगी और फ्लावर्स भी काफ़ी मात्रा में देगा आपका प्लांट। तो मेरे ख्याल से पोटास को आप अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए और महीने में या 15 दिनों में एक बार। और हाँ, ये याद रहे कि जो पोटेशियम का फर्टिलाइज़र होता है उसमें काफ़ी सारा केमिकल होता है, तो ये सिर्फ फ्लावर्स देने वाले प्लांट में यूज़ करें। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सभी प्लांट्स में आप पोटेशियम ना यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा होता है। और हाँ, दूसरा जो फर्टिलाइज़र है वो आप केले की छाल या जो केले के छिलके होते हैं, जो एप्पल के छिलके होते हैं, आप सभी जो किचन वेस्ट होता है उस सभी छिलकों का आप पानी 2-3 दिनों के लिए भिगो कर रखें और वो पानी आप यूज़ कर सकते हो, तो ये भी बड़ी आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये फर्टिलाइज़र बना के दिखाऊं। मेरे पास एक वीडियो मैंने बनाया था जो मैं डिस्क्रिप्शन बोर्ड में आपको दे दूँगी, तो आप जाके चेक कर लेना कि आप घर पे फर्टिलाइज़र कैसे बनाएं। तो इसका फ्लावर्स आप देख सकते हैं फर्टिलाइज़र के कारण कि ये फ्लावर्स कितना बड़ा है। और हमारे जो ये इतना सा प्लांट है छोटा वाला, फिर भी इसमें काफ़ी सारे फ्लावर्स आते हैं, तो ये सब केयर के कारण ही हुआ है। तो आप भी ऐसा केयर करोगे तो आपका जो ये प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा। और दूसरा जो फर्टिलाइज़र है, आप चाय की पत्ती भी यूज़ कर सकते हो। और हाँ, याद रहे कि चाय की पत्ती यूज़ की गई हुई है तो आप 2-3 पानी में इसे भिगोकर सूखकर और उसका जो पाउडर या आप इसमें जो पानी में भिगोकर भी आप यूज़ कर सकते हो, तो वह पानी भी आप इसमें डाल सकते हो। तो इस तरह से इन सभी फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा है फर्टिलाइज़र। आप चाहे तो DAP के जो दाने होते हैं वो भी आप डाल सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से पोटेशियम का जो फर्टिलाइज़र है वो बेस्ट है। हाँ, केमिकल वाले जो है, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा है, लेकिन इसकी मात्रा थोड़ी रखें, बहुत ज़्यादा इसमें पोटेशियम ना डालें। तो इन सभी बातों को आप फॉलो करेंगे तो आपका भी ये फ्लावर्स ऐसे बड़ा होगा। तो इन सभी बातों को आप फॉलो करना। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ और जल्द ही हम किसी नई और वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।